बीकानेर के नापसर थानाधिकारी संदीप पुनिया ने एक अभियान के तहत अवैध ओवरलोड चलने वाली निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर 35 वाहनों के चालान काटे और ओवरलोड वाहनों के ऊपर चढ़ी सवारियों को बस से उतारकर दूसरे वाहनों में चढ़ाया। थानाधिकारी पुनिया ने मौके पर ऊपर बैठी सवारियों को समझाया कि आपका जीवन अनमोल है और आप इस प्रकार जीवन को जोखिम में ना डालकर सफर ना करें। आपके परिवार को आपकी बहुत आवश्यकता है। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी और साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद ओवरलोड वाहन लेकर आए तो बसों को सीज कर दिया जाएगा। 4 घंटे के अभियान में थानाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए करीब 35 वाहनों के चालान काटते हुए 15 बसों को ओवरलोड के आरोप में पाबंद किया है। कस्बे के अंदर अमूमन देखने में आया है कि जो बसें हैं वो क्षमता से अधिक सवारी भरकर ले जा रही हैं, बसों के ऊपर सवारियां रहती हैं जिससे हमेशा दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके मद्देनज़र रखते हुए आज एक अभियान चलाया गया जिसके तहत ओवरलोडेड बसें जिनमें छत के ऊपर सवारी है और क्षमता से अधिक सवारी भरी हुई है उनको चेक किया गया, उनके फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाए गए और नियमानुसार उनका